नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आपकी पुस्तक हिंदी व्याकरण बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम आ गए हैं अंतिम पाठ की तरफ, पाठ संख्या 22, अपठित गद्यांश। तो चलिए देखते हैं, किसी गद्यांश को पढ़कर उसे समझ लेना, फिर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना इसका उद्देश्य है। हम यहाँ कुछ और गद्यांशों का पठन करेंगे और प्रश्नों के उत्तर देंगे। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आदि बड़े शहर हैं। इनमें लाखों लोग रहते हैं। शहर के सभी लोगों की कई आवश्यकताएं होती हैं। लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, घरों में बिजली और पानी चाहिए, फिर शहर में लोगों के आने जाने के लिए बस, रेल आदि यातायात की सुविधाएं चाहिए। नगर निगम लोगों को ये सारी सुविधाएं देने की कोशिश करता है, फिर भी बढ़ती हुई आबादी शहरों की एक बड़ी समस्या है। रोज़ हजारों लोग नौकरी की तलाश में गांव से शहर आ बसते हैं। बढ़ती आबादी के कारण बड़े शहरों में पानी बिजली की कमी हो जाती है। तो अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं, शहर के लोगों को क्या क्या सुविधाएं चाहिए, शहर के लोगों को क्या क्या सुविधाएं चाहिए। तो बच्चों, शहर के लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, घरों में बिजली और पानी चाहिए, फिर शहर के लोगों के आने जाने के लिए बस, रेल आदि यातायात की सुविधाएं चाहिए। आजकल शहरों में आबादी क्यों बढ़ रही है? आजकल शहरों में आबादी इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि रोज़ हजारों लोग नौकरी की तलाश में गांव से शहर आ बसते हैं। शहरों में बिजली पानी की व्यवस्था कौन करता है? शहरों में बिजली पानी की व्यवस्था नगर निगम करता है। ज़्यादा आबादी से किन चीज़ों की कमी हो जाती है? ज़्यादा आबादी के कारण बड़े शहरों में पानी बिजली की कमी हो जाती है। तो यदि हम गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर बड़े ही आसानी से दे पाएंगे। गद्यांश 2 देखते हैं। पहलगाम कश्मीर घाटी का सर्वाधिक मनोरम स्थान है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 2200 मीटर है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत खड़े हैं और बीच में लीदर नदी बहती है। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले यात्री यहीं पर एकत्रित होते हैं। सबकी एक ही कामना होती है, अमरनाथ जी के दर्शन। अमरनाथ अमरावती नदी के दाएं तट पर स्थित है। पहलगाम से यहां तक की यात्रा में 3 दिन लगते हैं और चौथे दिन यात्रियों को दर्शन करके लौटना होता है। यह यात्रा श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन संपन्न होती है। तो बच्चों, यहाँ भी हमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले यात्री कहाँ पर इकट्ठे होते हैं? अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले यात्री पहलगाम कहाँ पर इकट्ठे होते हैं? पहलगाम में इकट्ठे होते हैं। पहलगाम को कश्मीर घाटी का सर्वाधिक मनोरम स्थान माना जाता है। क्यों? पहलगाम को कश्मीर घाटी का सर्वाधिक मनोरम स्थान इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत खड़े हैं और बीच में लीदर नदी बहती है। अमरनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? अमरनाथ अमरावती नदी के दाएं तट पर स्थित है। पहलगाम से अमरनाथ जाने के लिए कितना समय लगता है? पहलगाम से अमरनाथ जाने के लिए 3 दिन लगते हैं और वहाँ से यात्रियों को चौथे दिन दर्शन करके लौटना होता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अमरनाथ यात्रा किस दिन संपन्न होती है? अमरनाथ यात्रा रक्षाबंधन के दिन संपन्न होती है। अब बच्चों, प्रश्न 6 है। निम्नलिखित के 2-2 पर्यायवाची लिखिए। तो बच्चों, यहाँ मैंने लिखे हुए हैं, आप इन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार सकते हैं। मनोरम, सुंदर, मनोहारी, कामना, इच्छा, चाह, पर्व, त्योहार, उत्सव, संपन्न, पूरा, पूर्ण।
अब है गद्यांश 3। इसे आप पढ़ के इसके प्रश्नों के उत्तर स्वयं देंगे। गद्यांश 4, ओणम तमिलनाडु में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है, जिसका मुख्य आकर्षण है विश्व विख्यात नौका दौड़। सभी वर्गों के लोग इस जल क्रीड़ा में उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। दौड़ में भाग लेने वाली नौकाएं विष्णु शैया जैसे आकार की होती हैं। नौका का एक भाग शेषनाग के फन जैसा और दूसरा सर्प की पूंछ के समान होता है। नाव की लंबाई लगभग 15 मीटर की होती है। उसमें लगभग 50 व्यक्तियों के बैठने का स्थान होता है, किंतु दौड़ के अवसर पर लगभग 30 व्यक्ति इसे खेते हैं। प्रत्येक नाव विभिन्न रंगों और आकारों की पताकाओं से सुसज्जित की जाती है। दौड़ के समय नाविकों में उत्साह तथा स्फूर्ति की लहर दौड़ जाती है। नाव की दौड़ का यह दृश्य बहुत ही आकर्षक और रोमांचकारी होता है। किनारे पर खड़े असंख्य दर्शक इस दौड़ का भरपूर आनंद लेते हैं और प्रतिस्पर्धा करने वाले प्रतियोगियों का उत्साह बढ़ाने के लिए उछलते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं। तो बच्चों, यहाँ भी कुछ प्रश्न हैं। नौका दौड़ में भाग लेने वाली नौका किस प्रकार की होती है? दौड़ में भाग लेने वाली नौकाएं विष्णु शैया जैसे आकार की होती हैं। नौका का एक भाग शेषनाग के फन जैसा और दूसरा सर्प की पूंछ के समान होता है। नाव की लंबाई लगभग 15 मीटर की होती है। उसमें लगभग 50 व्यक्तियों के बैठने का स्थान होता है। कितने लोग दौड़ में भाग लेते हैं? 30 व्यक्ति दौड़ में भाग लेते हैं। इस नाव को किस प्रकार सजाया जाता है? नाव को विभिन्न रंगों और आकारों की पताकाओं से सुसज्जित किया जाता है। दर्शक इस दौड़ का किस प्रकार आनंद लेते हैं? इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं देंगे। इस नौका दौड़ की विशेषता क्या है? ओणम कहाँ मनाया जाता है? तो बच्चों, ये तीनों जो प्रश्न हैं, इनके उत्तर आप गद्यांश को पुनः पढ़कर स्वयं देंगे। इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। उत्साह, निरुत्साह, आकर्षक, अनाकर्षक, आनंद, शोक। तो बच्चों, इसी के साथ ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आभार, मिलते हैं जल्दी।